आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से एजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। थंबनेल में लिखा हुआ है कि जीएसटी का पूरा लॉ चेंज होने वाला है। सर, इसके लिए आज हमने अपने यूट्यूब चैनल पर बुलाया है राजेंद्र अरोड़ा जी को, जीएसटी की राह में हमारे दोस्त। धन्यवाद। ठीक है जी सर, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं, क्योंकि अभी अभी मुझे सूत्रों से पता लगा है कि आप अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से मिलकर आए हैं, निर्मला सीतारमन जी से। तो अभी हमारा जीएसटी लॉ चेंज होने वाला है, तो मैं अपने दर्शकों के बिहाफ से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि जो ये जीएसटी लॉ में ये सेक्शन चेंज होने वाले हैं, इनका क्या इम्पैक्ट होगा। और आप आईसीआई में, ठीक है, दो बार एनआईआरसी पर रह भी चुके हैं जी। तो जो हमारा जीएसटी ऑडिट अभी निर्मला सीतारमन जी ने कैंसिल कराया, उसके बारे में आपने क्या बात करी और आपने कैसे रिप्रेजेंट करा कि क्या वो हमारा दोबारा से जो जीएसटी ऑडिट है वापस आएगा या नहीं आएगा जी। तो आप हमें इसके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि मुझे ये पता चला है कि भाई आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि भाई ये जीएसटी ऑडिट खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वो आप लोगों से सलाह तो मांगती है जी, हमारे इंस्टीट्यूट से सलाह तो मांगती है। तो एज ए एनआईआरसी मेंबर आपने क्या रिप्रेजेंट करा, और अगर आप सीसी, जैसा कि आपको पता है कि भाई सर सीसी लड़ रहे हैं, अगर आप सीसी जीत जाते हैं तो आप कैसे उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जीएसटी के अंदर कुछ सेक्शनों में चेंज होने वाला है, तो आप नोट कर ले कौन कौन से सेक्शनों में चेंज होने वाला है। पहला चेंज है सेक्शन 37 में। सेक्शन 37 में चेंज होगा, इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट लाई जाएगी। सर जैसे वहां पर लिखा हुआ है ना 15 से 17 तारीख, काफी चीजें हैं जो इरेलीवेंट है, मतलब कि 2017 से लेकर 2021 चार साल हो गए, उनका कोई यूज ही नहीं हो रहा। जैसे अगर मैं बात करूं अमेंडमेंट वाली बातें, तो ये सेक्शन 37 में चेंज होगा। सर इसके अलावा क्या होगा कि यहाँ पर सेक्शन 38 को ये डिलीट करने की बात कर रहे हैं। सेक्शन 38 में ये कह रहे हैं कि भाई ये सेक्शन डिलीट हो जाएगा, अब इसकी कोई रेलिवेंस नहीं है। जीएसटीआर 2 नहीं है ना, तो उसकी रेलिवेंस, इसकी जीएसटीआर 2 की रेलिवेंस नहीं है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर ये आपने क्या चीज खोल रखी है, कहां से पढ़ रहे हैं, तो मैं आपका सस्पेंस खत्म कर देता हूं। आप क्या करना, आप गूगल पर जाना, और गूगल पर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, वहां पर 43 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग का एजेंडा है सर, मिनट्स है। वहां पर हमने ये मिनट्स डाउनलोड करे हैं जहां से हम ये चीज बता रहे हैं। इसके अलावा सर सेक्शन 39 में भी चेंज होने वाला है। सेक्शन 39 का जो सर सब सेक्शन 10 है ना, उसके अंदर ये कुछ ऐसा डालने वाले हैं कि पहले आप अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करो तभी 3 भी फाइल करने देंगे। अभी ये वाली चीजें ना रूल से रूट हो रही है, तो सर ये रूल से हटाकर ये सारी चीजें अब ये एक्ट से लेकर आने वाले। तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये जो एक्ट में ये चीजें आने वाली है, क्या ये 2022 में आएंगी जब आप, ठीक है, सीसी में आ जाओगे, तो जब आप रिप्रेजेंट करोगे, या उससे पहले ही आ जाएंगी सर ये? सर मेरे हिसाब से ये 2022 के बजट में ही प्रपोज होंगी सारी, क्योंकि एक्ट को चेंज करने के लिए कपिल जी आप जानते हैं पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, तो पार्लियामेंट का अप्रूवल बजट प्रपोजल्स फाइनेंस एक्ट 2022 के हिसाब से आपको मिल जाएगा। और ये बहुत ही अच्छे परिवर्तन है, काफी परिवर्तन तो अच्छे हैं, जो कि जैसे अब आप 38 की बात कर रहे थे, अब इसकी रेलेवेंस ही नहीं है। अभी एक दो परिवर्तन आप बताएंगे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के भी हैं, तो ये परिवर्तन आएंगे 2022 से। अब इसमें मैं आपको एक परिवर्तन और बता दूं कि सेक्शन 42 और 43 जिसमें मैचिंग और मिसमैचिंग था ये भी डिलीट हो जाएगा सर। इसे भी ना ये लोग ना सेक्शन 37 से डील कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं सेक्शन 42 43 की भी कोई आवश्यकता नहीं। 43 है सर, ये नया सेक्शन आया था, लेकिन इसे भी अब ये कह रहे हैं डिलीट कर, कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ है। 43 है, आया तो था कानून में, लेकिन ये नोटिफाई कभी नहीं हुआ जी, तो उसको डिलीट कर रहे हैं बिल्कुल। अब सेक्शन 47 में चेंज होगा। सर क्या होगा सेक्शन 47 में चेंज, जब मैं आपको अपनी क्लास कराता हूँ तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई हमने जीएसटीआर 8 लेट फाइल करी, बताओ लेट फीस लगेगी या नहीं, तो सब कहते थे लगेगी, लेकिन ये कहीं लिखा नहीं था। लेकिन अब सेक्शन 47 में ये चीज चेंज कर देंगे कि अगर आप जीएसटीआर 1 को लेट फाइल करते हो तो आपको लेट फीस लग जाएगी जीएसटीआर 8 को, ठीक है, जीएसटीआर 8 को। तो अब यहाँ पर एक है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 29 के अंदर चेंज होने वाला है। सर क्या चेंज होगा सेक्शन 29 में? सेक्शन 29 में लिखा हुआ है कि अगर अपना कंपोजिशन डीलर अपनी 2 रिटर्न में फाइल नहीं करता था, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे अब इसकी रिटर्न हो गई है एनुअल, तो यहाँ पर इसे 2 साल का टाइम मिल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। तो यहाँ पर ये इसे चेंज करना की कह रहे हैं। सर आप मुझे बताएं कि ये जितने भी सारे चेंजेज हैं, क्या हम अपनी आने वाली मैगजीन में दे दे
और आपसे रिव्यू करा लेंगे सर कि क्या ये सारे चेंजेस ठीक है। सर ये प्रपोजल है 43rd काउंसिल मीटिंग में और मिनट्स में इन्होंने जगह ली है। मैं आपको एक बात कपिल जी अपने अनुभव से बताना चाहूंगा, अगर काउंसिल ने कोई चीज डिस्कस की है और उसके ऊपर कोई उसका मिनट्स में हिस्सा बना है तो वो कानून का हिस्सा बनेगा ही बनेगा, बनेगा ही बनेगा। तो सर हम इसे इस बार की ना मैगजीन में देंगे अपने नवंबर एडिशन में, और मैं तो कहूंगा कि अगली बार जब अपने एफएम से मिलने जाए ना हमारी मैगजीन भी ले जाना सर साथ में ना, कि भाई ये चेंजेस केजे क्लासेस ने बोले हैं, ठीक है ना। मैं मैगजीन ही नहीं सर आपको भी साथ ले जाऊंगा, चलो आप जाकर खुद बताना सारी बात। एक चेंजेज हमारा है सेक्शन 49 में। 49 में क्या चेंजेज होगा, अभी जो रूल 86 बी है ना आप लोग उसे मानते नहीं हो, तो ये सेक्शन 49 में डाल देंगे। पहली बात इस बात को समझ लेना, रूल्स की कोई पावर आप ज्यादा मानते नहीं, इस वजह से ये सारी चीजें सेक्शन में लेके जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं। अब इसके अलावा सेक्शन 16, सेक्शन 37 और 39, सेक्शन 16 की जो टाइम लिमिट है 16(4) की सर, वो जो टाइम लिमिट है वो हमारी सितंबर तक आती है, मतलब कि 20-22 अक्टूबर की रिटर्न तक। अब ये कह रहे हैं कि उसे ना हम बढ़ाकर 30 नवंबर कर देंगे, लेकिन सर मेरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर है कि सर जब आपकी बार आप फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने जाओ ना, तो जब ये कहे कि हम इसे 30 नवंबर तक कर देंगे, तो आप ना इसे ना फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए मत कराना सर, इसे ना बैक डेट से भी करा देना। 16(4) में सर रिलैक्सेशन अगर कुछ मिल जाए ना लोगों को, तो बहुत सारा ITC है उसका डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा। हमारी पूरी कोशिश है, इनफैक्ट आज की जो मीटिंग थी, मैं फ्रेंकली आपको बताऊं सर, एज नॉट अ रीजनल काउंसिल मेंबर थी बल्कि एज ए नॉर्मल मेंबर थी, और मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये बात रखी। और इंटरेस्टिंगली कपिल जी, मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने हमें सेपरेट समय दिया है GST ऑडिट के ऊपर डिस्कशन, कंप्लायंस इशू पे डिस्कशन, और नफरा पर जो र्यूमर्स हैं उसके बारे में भी जो डिस्कशन, कंपनी एक्ट वाला ऑडिट वाला है, उसमें भी उन्होंने सेपरेट डिस्कशन का हमें इंडिविजुअली टाइम दिया है। और जल्दी ही मैं आपको, क्योंकि अभी फिलहाल ये इलेक्शन पीरियड है, कोड का भी टाइम है, बहुत ज्यादा इस बात को ऐसे प्रोपोगेट नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल सर आप ये मानिए कि ये 30th नवंबर हम रेट्रोस्पेक्टिवली ही चाहेंगे कि कम से कम 2021 के लिए तो आप 30 नवंबर कर ही दीजिए। बिल्कुल। तो सर अब आप ये चीज समझ लीजिए, मेरे सब्सक्राइबर जितने भी हैं उनमें से काफी लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, काफी लोग NIRC की बेल्ट पर है, तो अगर आप चाहते हो कि GST के अंदर बदलाव आए, अच्छे बदलाव आए, तो उसका एक माध्यम है कि हमारा इंस्टीट्यूट वो बदलाव ला सकता है। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट से भी कोई ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट के पास जाए, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाए, ठीक है ना, कि जो वो अपनी बातों को कहे, जिससे हमारा क्या है 9C जो गया है वो ना जाए इस तरीके से, या चला गया तो दोबारा वापिस आ जाए। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि भाई इस तरह का बदलाव हो, तो सर को CC में इस बार जिताइए, और जिससे कि सर CC में जब आप आ जाए तो ये सारी चीजें चेंजेज करा दे। सर मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं ऑलरेडी इस बात पर लगा हुआ हूँ, हो सकता है इलेक्शन से पहले ही कोई रिजल्ट आ जाए या इलेक्शन के बाद, तो 100%। देखिए सर यहाँ पर केवल चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन की नहीं, इकोनॉमी की बात हो रही है। ये GST ऑडिट जाने से इकोनॉमी में हमारे रेवेन्यू का नुकसान है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कंट्रीब्यूशन है वो सरकार को पता होना चाहिए, उनको बताना पड़ेगा हमें कि हमारा कंट्रीब्यूशन कहाँ है, किस तरीके से हमने 9C के माध्यम से हमने टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाया था। तो अब वो अगर उन्हें बता दिया जाएगा तो सर्टनली वो इस बात को रिकंसिडर करेंगे। बिल्कुल। हमारे सर सब्सक्राइबर कहते थे कि कपिल सर आप जाके फाइनेंस मिनिस्ट्री को बताओ, आप जाके ये चेंजेस लाओ। देखो भैया मैं तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जा नहीं सकता अभी, तो इसलिए मैंने एक माध्यम बनाया है कि आप बताओ KJ क्लासेस को, हम बताएंगे राजेंद्र अरोड़ा सर को, और राजेंद्र अरोड़ा सर फाइनेंस मिनिस्ट्री को बताएंगे। 100% बिल्कुल बढ़िया माध्यम है ये। आप बहुत सारे लोग KJ क्लासेस से कपिल जी से जुड़े हुए हैं, आप जो भी आपका GST संबंधित इशू है, जो भी आप इवन GSTN संबंधित इशू भी है, वो KJ क्लासेस तक लाइए, हम उसको लेकर जाएंगे प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। और मैं आपको एक वादा जरूर करता हूं कपिल जी आपके चैनल पे, कि जो भी मैक्सिमम एफर्ट सब्जेक्ट के ऊपर हो पाएगा, मैं आज भी और कल भी अगर मैं काउंसिल में पहुंचता हूं आप सबके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, तो मैं जरूर इसके ऊपर एफर्ट करूंगा, मेहनत करूंगा सर। बिल्कुल सर, क्योंकि देखो हम तो फाइनेंस मिनिस्ट्री पे जा नहीं सकते, हम तो ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब बना देंगे सर, ट्वीट कर देंगे, वो तो जाना आप लोगों को ही है, क्योंकि आप लोगों के पास एक पोस्ट होती है, चाहे वो NIRC की पोस्ट हो, चाहे वो CC की पोस्ट हो, तो जब आप इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ये मानते हैं आप हमें रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो सर ये हमारी उम्मीद रहेगी कि अगर आप CC में जीत कर आते हो, हमारे सब्सक्राइबर आपको जिताते हैं, तो आपको हमारे सब्सक्राइबर का ख्याल भी रखना पड़ेगा।
ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ये जितने भी चेंजेज हैं क्या हम अपनी नवंबर के एडिशन में दे या ना दे। अगर आप कहते हो तो दे, तो हम इस पे वर्क करके आपको नवंबर एडिशन में जीएसटी का भविष्य बता देंगे। भविष्य का क्या मतलब कि जीएसटी में क्या बदलाव आने वाला है, आने से पहले आपको पता लग जाएगा कि ये जीएसटी में चेंज होने वाला है, जिससे आप अपडेट रहे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं अभी एक बात और कहना चाहता हूँ, सॉरी सर जी, अभी कपिल जी मुझसे डिस्कस कर रहे थे बात, तो मैंने इनको एक खुद कहा कि आप लोग रिसर्च करते हैं, बहुत कम हमारे जो है, हमारे मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन हमारे जो प्रोफेशन में है सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च नहीं होती है। हम पोस्टमार्टम तो करते हैं लेकिन प्रोस्पेक्टिवली फ्यूचर के बारे में सोचकर पहले से नहीं करते। इनकी मैगजीन में मैंने इनफैक्ट आर्टिकल्स भी लिखे हैं, मैं रेगुलर सब्सक्राइबर हूँ इनकी मैगजीन का, तो मैं बहुत ही लाइक करता हूँ, और बड़ी सिंपल भाषा में बड़ी प्रॉपरली प्रेजेंटेड होती है। तो सर आपको इस बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन है कि आपने इतनी रिसर्च करके ये एक्चुअली रिसर्च जो है ना, हमारे जो सीनियर पार्टनर है हमारे जीएसटी प्लेटफॉर्म वाले मनीष अग्रवाल जी, ये उनकी रिसर्च है। मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधु देता हूं कि उन्होंने इतना बढ़िया काम। देखिए टीम तो आप लोगों की है ना सारी, देखो ये टीम का इफेक्ट होता है, बिल्कुल टीम का है। तो अब इस बार हम इस नवंबर में ये देंगे। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और सर को इस बार ठीक है ना सीसी के अंदर आप पहुंचाइए, और उसके बाद सर एफएम से मिलेंगे एज ए सेंट्रल काउंसिल मेंबर, तो और दबदबा होगा और सर हमारे हितों की बात करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।